सबसे पहले स्कर्दू टीवी का शुक्रिया, उन्होंने हमारे सेशन को मीडिया कवरेज दी। मैं अनीस फातिमा, हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर गंबा स्कर्दू। आज हमने एक ओरिएंटेशन सेशन रखा था गर्ल्स हाई स्कूल मेदियाबाद में। ये हमने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए रखा था। इस सेशन में हमने अपने फीडिंग प्रोग्राम के हवाले से टीचर्स को ओरिएंटेशन दी है। चूँकि खरमंग में स्टंटिंग का रेशो बहुत ज़्यादा है, 66%, इसकी बेस पे हमने प्राइमरी स्कूल टीचर्स को फोकस किया कि वो अपने बच्चों को फीडिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे और उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, ताकि ये जो स्टंटिंग की वबा है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट हमारे बच्चे हैं जिनका रेशो बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल है, उसको हम कवर कर सकें और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हेल्दी हों, हमारी जनरेशन हेल्दी हों। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं स्कर्दू चैनल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के हवाले से आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और महकमे सेहत वालों से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आइंदा साल के लिए भी ऐसा प्रोग्राम रखें तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, और इससे बहुत सारे टीचर्स मुस्तफीद हुए और इस पर अमल भी करूँगा इंशाल्लाह। इसमें ये सबसे पहला ये है ना कि ये टीचर भी है और इसमें पेरेंट्स भी शामिल है, तो ये दोनों मिलकर इंशाल्लाह बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। और एक दफ़ा मैं दोबारा महकमे सेहत वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले स्कर्दू टीवी का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आए और इस वन डे ओरिएंटेशन सेशन की कवरेज के लिए। मेरा नाम सिफंदूर है, मैं हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर हूँ सब डिवीजन रोंदू का। आज जो प्रोग्राम किया इसमें हमने लेडी जो फीमेल टीचर्स है प्राइमरी उनको टारगेट किया था, और जिस टॉपिक पे हमने इनको सेंसिटाइज किया है वो स्कूल फीडिंग प्रोग्राम और अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन के हवाले से हमने इनको सेंसिटाइज किए हैं। स्कूल फीडिंग प्रोग्राम दरअसल एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च होने जा रहा है चीफ सेक्रेटरी के डायरेक्टिव के डायरेक्शन के तहत, और इसमें जो जितने भी टारगेटेड स्कूल्स होंगे उनमें राशन तकसीम किया जाएगा, डाइट दिया जाएगा स्कूल के बच्चों के लिए। इस तरह से मल न्यूट्रिशन कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया जा रहे हैं, और अर्ली न्यूट्रिशन के हवाले से यहाँ पे हमने फीमेल जो टीचर्स उनको सेंसिटाइज किया है, क्योंकि इनको टारगेट करने का मकसद ये था फीमेल जो टीचर्स है, क्योंकि ये माशरे में बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 से 12 साल के होते हैं वो प्राइमरी स्कूल्स में ही होते हैं, और जो टीचर्स की कही हुई बात, समझाई हुई बात उनको हर्फ आखिर समझ के वो मानते हैं, यानी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो बिहेवियर है, ईटिंग बिहेवियर, खाने पीने का जो तरीक़ेकार है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बदलाव आया है। सबसे पहले स्कर्दू टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मेरा नाम जो है राजिया सलीना है और मैं एहसास नशोनुमा का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हूँ। आज के जो खरमंग में सेमिनार के हवाले से मैं बताना चाहती हूँ, जो मैम और सर ने कहा कि मॉल नरिश और स्टंटिंग रेट के हवाले से हम जो है एक साल से फेस कर रहे पूरे खरमंग में, और जो नशोनुमा का फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसकी वजह से काफ़ी चेंजिंग आ रहे जो स्टंटिंग रेट और मॉल नरिश में, तो इस तरह के सेमिनार होनी चाहिए और स्पेशली जो टीचर को अवेयर किया ये बहुत जो है अच्छा है। मैं मुनव्वर अली जाकिर, न्यूट्रिशन अफसर ज़िला खरमंग। आज हमने गर्ल्स हाई स्कूल मेदियाबाद में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी बुनियादी मकसद जो है स्कूल टीचर को स्कूल फीडिंग के मतलब आगाही व तरबियत देना था। इस सेमिनार में ज़िला खरमंग के 60 के करीब सरकारी व गैर सरकारी लेडी टीचर्स शरीक हुए। आखिर में मैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट जीबी की तरफ से शुरुआती ट्रेनिंग और खुसूसन डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ज़िला खरमंग और गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ का बेहद मशकूर और ममनून हूँ, और साथ साथ स्कर्दू टीवी के खुसूसी नुमाइंदा का भी बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में फुल कवरेज दी।